झाड़ू जेन अगली साइड तू लाया कोई जेन रे तथा ना जेन पर आगे के कई लाया हमने एक के थारी जेन डेरी ला के जेन रख लेंगे और फिर जेन झाड़ू जेन के नो ला लेंगे। शनाज भी मैं नाली तकर मसाला हुन बनाया मैं ताके चावल पक्के ही पए होने ने चलो ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दुआ करना मेरे तमाम बहन से जिससे मैं खुश हूँ बाद रहे हमेशा से मुस्कुराते रहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और दुकान जो है तकरीबन अद्धा घंटा जो है लेट हो गई है क्योंकि भाई और जो है चाहते ने रेत और ऑर्डर किया इस करके मैं ठहर के दुकान जो है खोल लवेंगे और हम सारे पहले जो इतने पानी वगैरह जो है थोड़ा बहुत जो है छिड़क के ना पानी छिड़क के और झाड़ू ना रेत एक जगह तो इकट्ठी कर लवेंगे भाई और जो भी चाह लवेंगे तकरीबन तीन चार बठड़ और बन जाने ने और वाले जो तंदूर पे ने सारे जेना चक के इतने जेना जोड़ लेने और बूटे के मुढ़ के नाल इंज करके जेने तंदूर इतने जेना जुड़ जाएंगे ना ताकि जेना दुकान का सेन जेना सारा ही साफ सुथरा हो जाएगा। तो मैं भी जेन हूँ सुन लिया याद करके सारे पहले जेना खोल लेने दुकान दुकान खोल फिर जेना पानी छिड़क के और झाड़ू लाना जेना शुरू करने हैं और ये सारे तंदूर जेना इतने जेना क्योंकि इधरली साइड वाले जेन कौन जोड़ना क्योंकि रस्ता इस साइड वाले जेना जोड़ क्योंकि इधर है जो थड़ा है ना इनकी आधी तिकर अं तंदूर जोड़ लवेंगे तो आधी के इधर जो रस्ता आने का जो दुकान रखा तो सारे ने साफ सफाई करने पोचा भी ला लेंगे तो इतने जो जोड़ के रख लें और बेगम दुध जो उबाल रहे दुध उबाल लेंगे झाड़ू लैके आवेंगे ना तो हाले सारे रेत वगैरह जो इकट्ठी कर लवेंगे तो मैं तंदूर जेड़ना उधर जेड़ना चल के जो जोड़ लवेंगा और इंशाल्लाह हूँ सोने लाने याद करके दुकान जेड़ना मैं खोल लव। हाँ जी तो दुकान माशाल्लाह जी इन्ना खोल ली है और साफ सफाई जी करने और सरफ जेना खत्म हो सारे पहले जो सरफ ला के दे लव क्योंकि कपड़े जेड़ना वो बच्चों के जेड़ धोने ने बाकी जेड़ना लाट वगैरह जेड़ना कुछ धोने वाले ने वो जेड़ धोने और सरफ जेने सारे पहले जेन ला के दे लीए। हाँ जी तो मैं भी सरफ ला के जेड़ना आ गया और काम तो सुबह सुबह काफ़ी बन गया हाँ सरफ ला चलो ठीक हो गया एक काम कर लेने फिर तंदूर भी चक के पर रख लवी और रेत भी जी जेड़ना मतलब के पानी वगैरह छिड़क के ना वो सारी सन जेना साफ सफाई करके तंदूर आप अगली साइड ते जोड़ लेने ठीक हो गया हां ठीक हो गया ठीक हो गया। और मैं भी जेन दुकान ते आ गया और बेगम जेना सुबह सुबह काफी सारा काम जेना बन जाता क्योंकि पहले नाश्ते का फिर आठ के रोटी जेना वो बनानी फिर आठ के बर्तन धोने फिर आठ के कपड़े जेना काफी सारे बच्चों ने जेना बन जाते हैं वो जेना धोने फिर घर के जेना सारी साफ सफाई करना बहुत ज्यादा जेने इन्हों काम बन जाता है। तो मैं भी झाड़ू जेन लाया ना मैं आप ही जेन झाड़ू लाना सारी साफ सफाई करके तंदूर जेना जोड़ के जेना परली साइड से जेना रख लेना लेकिन पहले जेना दुकान की जेना साफ सफाई कर ली और चीज़ों की जेना सैटिंग वगैरह जेना ये कर ली है क्योंकि जेना दुकान ने जेन चीज़ इधर उधर जेना जोड़ देता लेकिन फिलहाल जेन ठीक ही पी एक जेन साफ सफाई जेना ये कर लेने और बेगम के भाई ना भी जेना गल सवेरे जेना कल तो हुई है कह रहा कि इस साइड जेन में आना क्योंकि अगर जेना जाना इस मैंने सहरिया से कह दे रहा कि जे तुम बच्चों ने जेन जुतियां है ना जे अगर मेरे को बीबियां तो नाल जाने को फैमिली के नाल उन्हें आना ना तो उस अगर आसानी ना आई हैं तो मैं जो बच्चों ने जुतियां जेन थोड़ी बहुत जेन ले आवाना अपनी दुकान तो अच्छे आ गई ना मेरे परेशानी खत्म हो गई क्योंकि बच्चों ने जुतियां तो गाहक हटते हैं ना मुड़ जाते हैं पिछले बच्चे की जुती जी एक भी कोई नहीं पई हुई तो शायद कह तो रहा कि जिन्या का आ गई थोड़ी बहुत जो शापर तोड़े जिमें हिसाब लग्या मैं जो लैके जरूर आवागा। हाँ जी तो जुतियां का बोरा जेना आ गया और बाई तो जे कह रहे हैं कि वापसी तो जेना मैं आवागा क्योंकि जल्दी ने कह रहे हैं मगू जेना सहरे तो जेना वो लवा फिर वापसी तो आवागा और लोही जेनी थी रख गए हाँ क्योंकि जेना घरों तुरे से तो काफ़ी सारी जेना धुंध आई लेकिन इतने पहुंचते तिकर जेना माशाल्लाह जो धुप अच्छी खासी जेन निकल आई है ना तो कह रहे हैं कि अगू हौली फिर इतने जेन बह गए तो अगे जाते तिकर शाम हो जाएगी उदू तो वापसी तो जेन आवनगे और जुतियां जेना गलाइया इन्हें तो बहने जेना की हो जाइए ने कह तो रहा कि जेना सस्तियां सस्तियां जुतियां मैं लैन दियां ने हाँ बच्चे वाली कह रहा ज्यादा ने हाँ बच्चे वाली ही ज्यादा।
चलो ठीक है, काट के जोड़ने और बच्चे वाली जुतियां दी थी ना, परेशानी जी ना वगैरह खत्म हुई। और सुबह सुबह जो है ना कस्टमर एक और भी आया, परफ्यूम मुझे ना कोई कह रहा सी, लेकिन उन्होंने जो है ना तस्वीर ले फिरदा सी, तस्वीर जो है ना मैं खींच लिया, मैं कि जन को मोबाइल जो दिखाई गया है परफ्यूम जान चाहिए, मैं फिलहाल भी जानो कोई नहीं है परफ्यूम जो है ना, मेरे को सिर्फ ऐ पेन दो दिखे देने वाले पेन, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं लेने, लेकिन फिर जो शहर जो चक्कर लगा मैंने आख्या परफ्यूम जो है लिया देवगा और जुतियां जी देख ली। बाकी भाई और जी ना मेहरबानी और काफ़ी सारा जो औखे हो गया ने, बच्चे भी दो नाल आने ते बेगम भी नाले ही जाए ते बड़ी मुश्किल है जी जुतियां लैके आए ने। हाँ जी मैं दस रहा सी सस्ते वाली सारिया, लेकिन हूँ आप जो महंगे वाली थोड़ी जुतियां की कोशिश करिए, उन्होंने कहने बाई न और बाई के पैसे वगैरह भी जो काफ़ी सारे अपने लिए बन जाने, पहले वाले समान दे भी इन्हें जुतियां दे भी। चलो लेकिन एक गल है ना कि भाई और ना समझ लगे सू बोलना तो उन्हें क्या जिम्मे बिकनिया रहन गया ना, मुनाफा तुम रखी रखे आ गए मुनाफा थोड़ा तो बाकी जो मूल मैंने जो वापस की रखे आ गए सही है। इस तरह तो समान वगैरह थोड़ा भाई अपन देता रहन तो अपन टेंशन वगैरह जी नहीं बनेगी। हाँ हाँ क्योंकि जो जिम्मे जुतियां बिकनिया जाएँ सेल होती जाएगी उमें जो बाई जो पैसे जो मोड़ी जावे तो अगर जो और समान जो लै लिया उन्हें गल की उन्हें कह दिया जुतियां तुम जुतियां चाहिए क्योंकि महंगी जुतियां जी वो भी कौन रखता है जी सस्ती ही रखता 250-300 वाली जुती जी वो 200 वाली ये वाली जी जुती रखता महंगी जुती ज्यादा जी भी दुकान से कोई नहीं रखता कुछ जुतियां हैं दुकान से महंगियां और महंगी जुतियां उनकी दुकान से और बेगम जी ने जुतियां जोड़ भी रही है क्योंकि सारिया जी बाटे दी रबड़ जी दी असल जुती जी कोई नहीं है। तो लेकिन अगर जिन्हें कि मेरे भैन भरा भी लाग देख रहे हैं साडे इलाके दे मैं जुतियां जी लाया वागा सही तकरीबन जो हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक जो कोई जुतियां जी 15-20 जी मैं असल भी जी लिया के देवगा, लेकिन तुम सारे भैन भी जो दुकान से आया करो मैं दस्या करो ए वाली चीज़ जी चाहिए फिर वो वाली चीज़ जी मैं लैन भी करा सस्ती चीज़ हो महंगी हो जी चीज़ की ज्यादा जरूरत हो वही चीज़ जी मैं इतने लैके जाना आवागा सही है ना। हाँ तुम घर का काम उतला खत्म कर लो मैं जुतियां जोड़ लवा जुतियां जोड़ के तो उस तो बाद जाएगा मुड़ा आप तंदूरा की सैटिंग वगैरह जी अभी वो कर लवेंगे ठीक है ना, फिर आप तंदूरियां जोड़ लवेंगे तुम जल्दी ना घर का काम खत्म कर आओ ठीक है ना। हाँ हाँ जी तो सारी जुतियां की जी सैटिंग कर ली जोड़ के जी रख दी और बच्चों के बच्चियों की जुतियां जी हम काफ़ी सारिया जी आ गई हूँ उम्मीद आ कि बच्चे वाली जुतियां जी कोई गाहक मुड़ेगा नहीं और एदलियां जी दूसरिया जी लेडीज़ भी आ गई दूसरिया जी रबड़ की जुतियां और अच्छे वाली जुतियां जड़ियाँ ना वो भी लै आवेंगे आन करीब क्योंकि आ सेल जी कुछ हो जाए ना सेल वगैरह जी जमा करके तो 10-15 हज़ार के नाल जी अच्छे वाली जुतियां जी लै आवेंगे क्योंकि ज़्यादातर गाहक जाना सस्तियों छोड़ के महंगी वाली जुतियां जी वो पसंद करते हैं क्योंकि जी आम रूटीन जी 600-700 रुपए की जी जुती होंगी है ना वो वाली पसंद कर दी वाली जुती जी ज़्यादा पसंद कर दी इन्हें नाल दी, लेकिन ये जी किसी 6 नंबर साइज चाहिए किसी 8 नंबर किसी 9 नंबर मेरे को एक जुती पई आ 7 नंबर इनके नाल दी जुतियां जी लैनियाँ हर साइज 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7-10 नंबर तक जी नाल जुतियां जी लैनियाँ और बच्चे वाले काफ़ी सारे गाह कटते हैं इस करके सारिया जुतियां जी बाई और बच्चे वाली जी दे गए हर तरीके दियां ने रहे जी आ गई बच्चे इन्होंने बूट। चलो ऐसा आस्ते जी दुकान जी रौनक लगेगी क्योंकि जी सेल होगी कुछ तो सेलमैन आया कर थोड़ा बहुत जिमें कल मैं समान लै ले कंघियां लै लिया सी एलियाँ तो हाले लास्कट वगैरह जी ये लै ले इस तरह ऐसा आस्ते जी सारा समान वगैरह जी दुकान का पूरा हो जाएगा बाकी हूँ बच्चे वाला गाहक उम्मीद का नहीं मुड़ेगा नैलियाँ भी जी दे गए बाई और जुतियाँ वालियाँ जुतियां जी बच्चे इतने ही फ्रंट के उपर जी मैं जोड़िया ने ताकि जी नज़र आन सामने ऐले जी पट्टी वगैरह जी इस करके जी मैं बनाई सी इतने जी बच्चे जुतियां वगैरह जी जोड़ ली पे और कपड़े भी जी लिया के रखने आस्ता आस्ता गर्मियों तक जी सारिया आइटमां क्योंकि आ दो अलमारियां जी मैं कपड़िया के थान वास्ते जी बनवाइया से एक हाले मैं कह सैड वाल जी लेडीज़ कपड़े जी रख ले करा और इस सैड वाल जेंट्स कपड़े जी मर्दा ने जी रख ले करा क्योंकि दो खाने जी मैं सिर्फ और सिर्फ जो बनवाए थे कपड़े वास्ते जुतियां की जगह जी मैं बनवाई है उपरली साइड से जी गोला जी फटी वो ला के ना एंड नाल तो जी लक्कड़ दौना वाला जी उतली साइड से ला के उपली साइड से सारिया जुतियां जी वो टंग देनिया ने
मतलब कि बाकी जी ना एक एक पैर उपर टंगे हुए होगा ना दूसरिया से स्टोर वाले खाने के ना पही होगी जो जो समान ज्यादा हो जाएगा जाड़ू जेन अगली साइड तू लाया कोई जेन रे तथा ना जेन पर आंटी के कई लाया हमने एक के सारे जेन डेरी ला के जेन रख लेंगे और फिर जेन जाड़ू करा जेन नो ला लेंगे दोबारा फिर जाए झाड़ू ला रही है करके साफ सफाई हो जाए रेत वगैरह सारा उठा दी हाँ जी तो उधरी साइड तो जी साफ सफाई जी मुकम्मल हो गई है हूँ जो सारे पहले जो तंदूर ये वाले जेना चक के जेना अगली साइड वाले जेना रख ले भी ताकि जेना दुकान का फ्रंट भी जेना साफ सुथरा जेना हो जाए क्योंकि हाले तंदूर जेना हूँ उत्थे जेना जोड़न लगे क्योंकि अगली साइड जी साफ सफाई जेन की है ना इतने बूटे की एक साइड वाले जेना रख देने अत्ते फरज तक इतों जेना बाकी गाहकों आन जाने का जेना रस्ता भी जेना साफ क्लीयर जेना हो गए तो दूसरा जेना इतों दुकान का फ्रंट ही साफ हो जाएगा इतने तंदूर जेन थले रख दें और पहले जी छोटिया बड़ा शायद इतने जेना पे रहेगा अगली नुक्कर से नहीं तो भी जे थले ला के रख लवेंगे फिलहाल जेना छोटिया तो जेना चाह के जेना और इतों ही सन तू जेना झाड़ू वगैरह जे ला के साफ सुथरा जेना सन कर लीए आस्ता आस्ता जेना इतों वाली रेत वगैरह जेना खत्म होगी हूँ इतों जेना साफ वगैरह जेन की है लेकिन थोड़ी बहुत जेना रह गई है फिर पानी वगैरह जेना छिड़क के या सुबह फास्ट टाइम नमी आँदी है काफ़ी सारी इस करके जेना गट्टा इन्ना कौन उड़ता था फास्ट करके जेना अगला रोड वाली जगह जेना वो भी रेत वगैरह जी सारी एवं झाड़ू ला के जेना साफ सुथरा कर लवेंगे Okay.
क्योंकि जो तंदूरा सीजन आना उतले महीने तंदूरा सारा इतने दरवाजे अगे रश पाना रोड में जोड़ नहीं सकते ना ही दुकान के अगे जोड़ सकते हैं उतने जो गेट के अगे रख लाच गली की रख लवेंगे दरवाजे लंघन टप्पण वास्ते बाकी सारिया उसे तंदूरिया ही गेड़ जोड़नी है और बड़ा भी जेड़ा सोच रहा थले ही जेड़ ला के रख लेंगे दरवाजे सारिया जोड़ के रख लिया 2, 4, 6, 8, 9 नौ तंदूरिया ने उसे जी रख लिया और मैं भी जो ना थोड़ा जाना कचरा वगैरह जाना सारा साफ सफाई जीना करके ना फिर जो टैंकी खोलते पानी वगैरह के छिड़कना और साइड के बोतल वगैरह उठ रही है पानी लिया के वो छिड़क लेना लेकिन पहले जो ना मैं साफ सफाई कर लवा हाँ जी तो सारा काम हो गया मुकम्मल इस जगह की जी साफ सफाई जी हो गई है और हम दुकान का फ्रंट जाना बिल्कुल साफ सुथरा हो गया तंदूर जेड़ इतने जेड़ आ गए लगे और तंदूर भी जेड़ बड़े खूबसूरत लग रहे और दुकान भी चलो अजय तो कम जेड़ना बहुत ही ज्यादा जेड़ना वधिया हो गया हम मैं सारे पहले जेड़ना क्योंकि जेड़ना भाजी नहीं बच्चे भी जेड़ दें तो सोच रहे अज चावल जेड़ना वो बना लीए मटर जेड़ लै लें और चावल जेड़ लै लेना आलू मटर आना जेड़ना पुलाओ वो बना लेने जी तो सब्जी जेड़ लै ली मटर भी लै ले मसाला भी लै ले और चावल जेड़ना एक किलो भी लै ले मैं आखिर बच्चे भी ने बेगम साहब की अम्मी भी अम्मी अबू भी याद जा मैंने इस करके जेड़ना मैं आख्या किलो जेड़ना बना लेने चावल शनाज भी धोंदी पी है बर्तन हेलो सब्जी ने मैं जेन कल ही बच्चे ने फिर दाल ने रोटी जेन दी मैं जे मटर वाला पुलाओ जेन बना लो ठीक है ना एक किलो चावल लैन देन बड़े ने हाँ तो मटर ही ने आप हाँ हाँ कल मटर ने मटर वाला पुलाओ जेन बना लो ठीक हो गया बाकी बारला काम तो जेन सारा ही मुकम्मल हो गया साफ सफाई जी सारी टोटल हो गई है तो मैं हाँ जी चलो ठीक हो गया और मैं भी जाना चलिया बहर हूँ जाना दुकान से मैं भी आ गया दुकान से और है काम जो सब ज्यादा जाना जरूरी है जो खत्म हो गया हूँ जाना बहने
क्योंकि जे ना रेत वगैरह जे ना परे होगी उन उड़ के जेन हो रहा हूं मैं दुकान जे नहीं आवे लेकिन इंशाल्लाह जे ना रे गट्टा मिट्टी जे ना उड़दा ही रहना गर्मियां दे विच हिसाब लावांगे गर्मियां जी अगलियां सर्दियां तक जे ना जदों दुकान दी सेटिंग वगैरह हो भी ना काफी अच्छी होगी दुकान है सारा सामान जे ना पूरा हो गया फिर इत्थे जे ना अगे शायद इत्थे जे ना दरवाजा जे ना शटर दी अगली साइड ते जे ना शीशे दा दरवाजा ला लवांगे ना गट्टे मिट्टी तो जे ना महफूज होवांगे मतलब कि जै इतने शीशा लग गया ना शटर के मुताबिक 8 फुट का जो शीशा लग गया और शीशे का इतने एक साइड जो दरवाजा रखी गया फिर जो दुकान के अंदर गट्टा मिट्टी जो ना बिल्कुल ही जो नहीं आएगा लेकिन हाल तक फिलहाल जो ना दुकान पहले जो ना भरना हर चीज़ जो ना मौजूद हो किसी चीज़ लैन वास्ते जो ना कि पिंड वाले जो ना शहर ना जाना पवे इस करके जो हर किस्म की जो चीज़ा क्योंकि इंडिया चीज़ें समझ लो कि इन ज्यादा ने कि पूरी हो ही नहीं सकती जितनी जी ना इन चीज़ों की आइटम वगैरह जी हो गई जुत्तियाँ जी ना किन्ने सहज होंगे केड़ी केड़ी जुत्ती एक एक जुत्ती 5-7 हज़ार रुपए की जी ना होंगी है लेकिन इन्निया महंगी तो कोई लैनिया 1000 की रेंज तक जी ना जुत्ती लैवे इस उपर जी ना महंगी जुत्ती जी ना कोई लैनी इतना तिकर 7-8 सौ वाली जुत्ती इतना तिकर जी इनिया अच्छिया लैवे इस तू मजीद अच्छी जी 5-6 हज़ार वाली जुत्तियां आदि वो नहीं लैनिया नॉर्मल जी लैनी नॉर्मल समझ लो आ गई ने हम 5-7 सौ वाली जुत्ती जी ना वो लैनी है तकरीबन कोई जी ना जिन्या के पईया उन्निया की जी ना वो लैके जी ना आ गए ना फिर परेशानी वगैरह जी ना कोई नहीं होंगी तो आज सारे जी ना मेन काम से है साफ सफाई का ये खत्म हो गया इनकी टेंशन वगैरह जी ना खत्म हो गई है छोटे बच्चे लेके आए और काफी प्यारियां ने मैं बच्चे ने गाहक ना मुड़े नहीं भाई विकास आखिया जिम्मे समान विकता रहेगा ना ते मुनाफा रख लिया करें ते बाकी मोड़ भिजवाता मैं समान इसे तरह भेजी रखे अज उन्होंने अज जुतियां जी ना बेचतियां ने फिर जिवें सेल होगी उन्होंने जी 2-4 हज़ार कर जिवें सेल होंगी रही ना वो मैं वापस गली रखा समान नवा गली रखे हाँ क्योंकि हम इकट्ठा समान तो सारा विकना कोई नहीं इकट्ठे पैसे तो उन्होंने दे नहीं सकते इस करके मैं उन्होंने आखिया जिवें समान जी विकता रहा ना तो नाल इन्हें भी पैसे दी रखा तो नवा समान ही दी रखे तो इंशाला ईद तक जो ना दुकान की जी ना मतलब कि सारे गाहकों को पता चल जाएगा लाह माम वाले पिंड ईद तक जो ना अपनी गाहकी जी ना बन जाएगी बस है महीना ही आ इस महीने के अलमारियों के पैसे अपने इंशाला क्लीयर हो गए तो उतले महीने इंशाला जो बेच को समान वगैरह जो 50 हज़ार का पा लवेंगे सही है ना तो इनका ही जो कर्ज वगैरह नाल ला जा सी ना समान होर कुछ नकदान आ जा सी ना फिर इनका लाना जो है ना सौखा हूँ अगर ये समान जिम्मे उदारा लैन दिन वेच के दे दी तो नवा समान बेचनी पैना इस करके जो नकदाना समान लैन दिन फिर जो इनके नाल पैसे लै जाएंगे वो नवा भी इनशाला आ जाएगा अबू जी भी जेना चले गए नुमान जेना बैठा दुकान से चल के जेना देखना चावल जेना बने ने कि नहीं बने नाले तिकर क्योंकि भुख भी लगी खोती और अज मैं सुबह टाइम की समझ लो कि रोटी जी कोई नहीं खाधी सिर्फ चाय तो रस जी खाधे उन्हें रोटी जी ने याद ही कोई नहीं रही उदले जी साफ सफाइया जी करता रहा रोटी जी ने जेन च नहीं रही रोटी मैं कोई नहीं खाधी अज और शनाज भी मैं नाली तिकर मसाला हूं बनाया मैं तो चावल पक्के ही पे होने चलो ठीक हो गया बन जाएंगे चावल चलो चावल बन गए तो कोई नहीं इंशाल्लाह फिर ला लवेंगे सुबह चल ला लवेंगे और जी अदला मसाला जी सारा कटाई होया पे टमाटर अलग धनिया अलग प्याज अलग मटर अलग हल्दी अलग मशीन ग्राइंडर जी कर लेना मैं पता की वा भी बने के कोई नहीं बने चलो बनिए तो फिर दुकान जी बेच दे ठीक है ना हाँ और जी आज दाला ब्लाग भी जेना कर रहे हैं इतने खत्म इंशाल्लाह मिलने हैं किसी नेक्स्ट अच्छे तो अच्छे ब्लाग के अपना ढेर सारा ख्याल रखे जे दुआव जी याद रखे जे इन्होंने दुआव के नाल इजाजत अल्लाह हाफिज़।